घर के आसपास कौन सा पेड़ नहीं रखना चाहिए, लकवा की बीमारी होती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है जंगली पेड़ नहीं रखना चाहिए घर के आसपास, उससे लकवा फालिस की बीमारी होती है तो भारी नुकसान बाद में चल करके सहना पड़ता है। यानी कि जितनी भी पैसा घर में रहता है हम लोग कमाए हुए होते हैं वो सब बीमारी में खर्च हो जाती है। ध्यान रखें बात पर। सवाल नंबर 2, गर्मियों के मौसम में चाय में क्या डालकर पीना चाहिए कि चाय हानि ना करे, चाय जो है वो फायदा करे। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। दोस्तों इसका सही आंसर है इलायची डाल करके चाय पीना चाहिए, क्योंकि इलायची डाल करके अगर चाय पियेंगे आप लोग तो गर्मी महसूस शरीर में नहीं होगी और तरह तरह के बीमारी से आप लोग बच जाएंगे, नहीं तो पेट में गर्मी के कारण जो है वो पेशाब रोग होने की संभावना बना रहता है। सवाल नंबर 3, गर्म खाना खाने से कौन सा बीमारी होती है और कौन सा चीज़ नष्ट हो जाती है शरीर की। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इसका सही आंसर है आते, लीवर, किडनी, कलेजा पूरा ख़राब हो जाता है, इसीलिए गर्म खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो लोग खाते हैं गर्म खाना उन्हीं लोगों को ये सब 4 चीज़ ख़त्म हो जाता है। सवाल नंबर 4, ज़्यादा सिगरेट पीने से कौन सा चीज़ ख़राब होती है पेट की, आते की। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है फेफड़ा जल जाता है ज़्यादा सिगरेट पीने से और आंतें भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि धुआं से आप लोग जानते ही हैं कि घर भी काला हो जाता है, इसीलिए आप लोग सिगरेट, बीड़ी, गुटखा बिल्कुल ना पिए खाएं। सवाल नंबर 5, कच्चा पक्का भोजन करने से शरीर की कौन सी पार्ट नष्ट हो जाती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है लीवर और आंते पूरा ख़राब हो जाता है, इसीलिए दोस्तों कच्चा पका भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन को जो है पूरा पका करके खाना चाहिए, थोड़ा सा समय लगे तो उससे कोई बात नहीं, नहीं तो सब बीमारी में पैसा लगते हैं। थैंक यू।